ऐसा पहली बार हुआ जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम सीधा जेल पहुंच गई और जेल पहुंचने के बाद तमाम गैंगस्टरों का हवा टाइट कर दिया गया। और दोस्तों इस बार जिस तरीके से जेल के अंदर छानबीन करा गया और जितना खतरनाक खतरनाक चीज बरामद करा गया है, जिन सब चीजों को जानने के बाद आप भी दंग हो जाओगे। दोस्तों चाहे वो पंजाब का लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, चाहे जग्गू भगवानपुरिया गैंग हो या फिर बम्बीहा गैंग ही क्यों ना हो, अब तमाम गैंग के लोगों का छक्का छूटने वाला है। और जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो कि पूरे गुस्से में आ चुकी है और गृह मंत्रालय के आदेश पर अलग अलग जगहों पर अब रेड मारा जा रहा है, तो दोस्तों क्या क्या पूरा का पूरा मामला है और क्या क्या ऐसा खतरनाक खतरनाक चीज है जो कि जेल के अंदर से बाहर निकला है, तो सब कुछ आपको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों पंजाब के अंदर जिस तरीके से आज के समय में आतंक बढ़ता ही जा रहा है, अब तो पंजाब पुलिस का भी दिमाग खराब होते जा रहा है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय के आदेश पर जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जिसने उत्तरी भारत के कुल 14 ठिकानों पर रेड मारी है और रेड मारने के बाद बहुत सारे गैंगस्टरों के बारे में बहुत कुछ का खुलासा भी हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम को इस बात का भी संदेह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज के समय में खालिस्तानी संगठन से मिले हुए हैं और मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, जिन लोगों का कनेक्शन पाकिस्तानियों के साथ है। तो किस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने तमाम गैंगस्टरों का पुंगी बजाया है वो आपको हम आगे बताएंगे। इससे पहले आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बारे में। वैसे आपको बता दें, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया जिसके बारे में बताया जाता है वो पंजाब का सबसे अमीर गैंगस्टर में से एक है, साथ ही साथ वही है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को अपराध का एबीसीडी सिखाया था। दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया पिछले कई वर्षों से पंजाब के जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी जग्गू भगवानपुरिया जो कि जेल के अंदर से कई तरह का कांड करवाता है। हालांकि जग्गू भगवानपुरिया का दुश्मनी काफी समय से बम्बीहा गैंग के लोगों के साथ था और उसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी दुश्मनी बम्बीहा गैंग के लोगों के साथ है। तो आज के समय में जग्गू भगवानपुरिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि आपस में मिला हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया ऐसा बंदा है जो कि कभी भी किसी से डरता नहीं है, यहाँ तक कि वो पुलिस वालों से भी नहीं डरता है। और जग्गू भगवानपुरिया के बारे में भी बताया जाता है वो जेल के अंदर रहने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना मतलब फेसबुक पर एक्टिव रहता है ये लोग, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहता है। तो मैक्सिमम जो आज के समय में कांड हो रहा है वो हो रहा है फेसबुक के माध्यम से। जेल के अंदर जिस तरीके से कैदी बैठ करके फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है और बहुत सारे लोगों का कत्ल का सुपारी लेता है, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं निंदनीय है और ये सब घटना सबसे अधिक पंजाब के जेलों में देखा जाता है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत के अलग राज्यों में अलग अलग जेलों में इस तरह का घटना नहीं देखा जाता है, देखा जाता है, लेकिन जितना भी टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स है ये सभी जो कि पंजाब के जेलों में ही पल रहा है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले थे किस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जब जेल पहुंचती है और जेल पहुंचने के बाद जब जेल के अंदर छानबीन करा जाता है तो दोस्तों एनआईए की टीम का दिमाग सूख जाता है, एकदम होश उड़ जाता है कि भाई जेल के अंदर ये सब चीज कहां से आता है और ये लोग कैसे इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। दरअसल आपको बता दें, पिछले कई महीनों से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो कि अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। दोस्तों पिछले महीने की बात है जब उत्तर प्रदेश के अंदर भी एनआईए की टीम ने दबिश दी थी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारा चीज उन लोगों ने बरामद करा था। उसके बाद दिल्ली के अंदर भी एनआईए की टीम ने छापा मारा था, तो छापेमारी के बाद बहुत सारे चीजों का खुलासा भी हुआ था और बहुत सारा हथियार बरामद भी करा गया था। अब दोस्तों उसी तरीके से पंजाब के अंदर जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम दबिश दी, साथ ही साथ उत्तरी भारत के कुल 14 ठिकानों पर जिस तरीके से दबिश दिया गया, उसके बाद दोस्तों फिर जेल पहुंचती है एनआईए की टीम। दोस्तों ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो कि सीधा जेल चली गई हो, और दोस्तों जेल के अंदर किसी को भी पता नहीं था कि आज जो है सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो कि दबिश देने वाली है। बताया जाता है एनआईए की टीम पंजाब के अमृतसर जेल में पहुंचती है। अब जैसे ही अमृतसर जेल में एनआईए की टीम पहुंचती है, पहुंचने के बाद सर्च अभियान शुरू करती है। दोस्तों तकरीबन रात के 10 बजे तक सर्च करा जाता है और जेल के अंदर जब छानबीन करा जाता है तो छानबीन करने के बाद ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जो कि जेल के अंदर से नहीं मिलता है। दरअसल बताया जाता है जेल के अंदर से बहुत तरह का नशीला पदार्थ मिलता है, सस्ता नशा से लेकर के महंगा महंगा नशा वाला चीज़ भी मिलता है, जैसे कि शिखर पान मसाला, गुटखा, विमल पान मसाला, उसके बाद रजनीगंधा और भी बहुत तरह का मादक पदार्थ, और साथ ही साथ शराब का बोतल भी वहां से बरामद करा जाता है। और दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जेल के अंदर से कई तरह का मोबाइल फोन भी उन लोगों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है कि एनआईए की टीम ने जिन सब चीज़ों की कल्पना भी नहीं करी थी वो सारा का सारा चीज़ जेल के अंदर मिल जाता है।
और बाद में एनआईए की टीम जो कि जेल के अंदर जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं अब उन लोगों का भी क्लास लगाना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें पंजाब के अंदर ऐसे बहुत सारे जेल है जिन जेलों में कैदी जो कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। और मेरे भाई जेल के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जो कि उपलब्ध नहीं होता है, चाहे शराब का बात कर लो, सिगरेट का बात कर लो या फिर गांजा चरस का बात कर लो, सारा का सारा चीज़ जो कि खुद पुलिस वाले ही जेल के अंदर उपलब्ध करवाते हैं। तो जेल के अंदर कहीं न कहीं जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं उसमें से मैक्सिमम पुलिसकर्मी जो कि रुपयों के लिए गलत गलत काम कर ही देते हैं वो करप्ट हो ही जाते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें जेल के अंदर जिस तरीके से एनआईए की टीम ने दबिश दी है अब उसके बाद एनआईए की टीम का डर जो कि अलग अलग जेलों में भी कैदियों को होना शुरू हो गया है, और कैदियों से ज़्यादा डर तो पुलिस वालों को हो रहा है क्योंकि अलग अलग जेलों में अब पुलिस वालों को ये लगता है कि भाई अगर पंजाब के अमृतसर जेल के अंदर एनआईए की टीम रेड मार सकती है तो क्या पता आने वाले दिनों में किसी और भी जेल में ना ये लोग पहुंच जाए। तो दोस्तों इसीलिए अब जेल के अंदर बताया जाता है जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो लोग पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ डर जो है सो गुंडों से नहीं है, बदमाशों से नहीं है, बल्कि डर है पुलिस वालों से, क्योंकि अगर एक पुलिस वाला एक गलती करता है तो उसकी एक गलती की वजह से कई सारे लोगों को भुगतना पड़ जाता है। दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम को इस बात का भी संदेह है कि पंजाब के अलग अलग जगहों पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आतंकवादियों से मिल करके अलग अलग तरह का वारदात को अंजाम देता है। जैसा कि दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, पंजाब के तरन तारण में पुलिस हेडक्वार्टर को ही उड़ाने का प्लानिंग कर दिया गया था, पुलिस थाने को ही उन लोगों ने उड़ाने का कोशिश करा था, आरपीजी अटैक करा गया था। तो एनआईए की टीम को इस बात का भी संदेह है कि कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो कि जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, और वो लोग जो कि आतंकवादियों से बातचीत करके या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ रुपयों के लिए पुलिस वालों को भी जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसीलिए पंजाब के तरन तारण में एक पुलिस थाना को ही उड़ाने का प्लानिंग करा गया और वहां पर आरपीजी अटैक करवाया गया। हालांकि दोस्तों इस मामले में ये पता चला था कि कनाडा में बैठा गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा जो कि इस आरपीजी अटैक का मास्टरमाइंड था। तो बाद में धीरे धीरे एनआईए की टीम ने अलग अलग जगहों पर जाकर छानबीन करी और बहुत सारे बातों का खुलासा भी हुआ है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम चारों ओर दबिश दे रही है और जिस तरीके से अपराधी जो कि अपने अपराध को कम नहीं कर रहा है, तो एक तरफ पुलिस वाले तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन दूसरे तरफ जितने भी अपराधी हैं वो लोग जो कि अपने काम से बाज आने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि भैया जिस तरह से घोड़ा घास खाए बिना नहीं रह सकता उसी तरीके से अपराधी अपराध किए बिना नहीं रह सकता। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम को कुछ समय पहले गृह मंत्रालय से आदेश मिला था कि जहां कहीं भी जो कोई भी अपराधी काम कर रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा से बड़ा हस्ती क्यों ना हो, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाना है। तो आपको बता दें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो कि अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और पंजाब के अंदर आने वाले दिनों में ये भी आशंका व्यक्त करा जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं न कहीं ये जितने भी गैंगस्टर हैं ये लोग बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम भी ना दे दे। अभी कुछ समय पहले की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर संदेह जताया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी आतंकवादियों से मिला हुआ है, ये लोग भी कहीं न कहीं खालिस्तानियों से मिला हुआ है, जिस वजह से लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी करा गया था और उसे बाद में पंजाब भी लाया गया था। तो साथ ही साथ दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया के ऊपर भी संदेह बताया जा रहा है, साथ ही साथ बम्बिया गैंग के लोगों के ऊपर भी एनआईए की टीम को संदेह है। हालांकि वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिया गैंग जो कि आपस में एक दूसरे का जानी दुश्मन है, लेकिन फिर भी दोस्तों इन लोगों के ऊपर कहीं न कहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम को इस बात का शक तो जरूर है कि ये लोग कहीं न कहीं आतंकवादियों से मिला हुआ है, क्योंकि इन लोगों के पास जितना खतरनाक हथियार है, जिन हथियारों को आप लोग फिल्मों में देखते हो वो सब हथियार ये लोग इस्तेमाल करता है दूसरे को मारने में, गलत काम करने में। तो कहीं न कहीं इन लोगों के ऊपर जो संदेह जताया जा रहा है ये संदेह मुझे लगता है हो सकता है कि गलत ना भी हो। हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम को जो सब मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जितना भी मोबाइल फोन उन लोगों ने जेल के अंदर से बरामद करा है, अब तमाम मोबाइल फोन का छानबीन करा जा रहा है, साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है इस मोबाइल फोन से कहां कहां बातचीत करा गया है, कौन कौन सा नंबर इसमें डायल करा गया है और कौन नंबर किसका है, कौन सा सिम किसके नाम पर है। तो ये सारा का सारा चीज़ जो कि छानबीन करा जाएगा, जांच पड़ताल करा जाएगा और उसके बाद दोस्तों क्या क्या खुलासा होता है वो तो अगले वीडियो में ही आपको पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों साल 2022 जो कि खत्म होने वाला है, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो है सो साल 2022 को ख़त्म होने में मात्र 4 से 5 दिन बचा है, तो 5 दिनों बाद साल 2022 भी समाप्त हो जाएगा, अब आएगा साल 2023।
हो सकता है कि आप ये वीडियो साल 2023 में ही देखो। दोस्तों आप ये सोचो कि साल 2022 आपका कैसा रहा नहीं रहा, इन सब चीजों पे विचार नहीं करने का। आप ये सोचो कि आपका जो आने वाला साल 2023 है वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। उस साल में आप सबसे अधिक तरक्की करो। हो सकता है कि साल 2022 में भी आपने तरक्की करा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि साल 2023 में आप और भी ज़्यादा तरक्की करो। यदि इस साल में आपको बहुत ज़्यादा घाटा लगा हो, यदि साल 2022 आपके लिए आपके किस्मत के लिए अच्छा ना साबित हुआ हो, तो हो सकता है कि साल 2023 आपके किस्मत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अभी से ये सोचो कि आपको मेहनत करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा रास्ता चुनना है, गलत लोगों से दोस्ती नहीं करना है, गलत लोगों के लिए कोई भी काम नहीं करना है, बल्कि साल 2023 को आपको सफल बनाना है। और एडवांस में आप लोगों को कहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों यदि आप ये वीडियो साल 2023 में देख रहे हो तो मैं यही कामना करूँगा कि साल 2023 आपके लिए बिल्कुल अच्छा हो। हालांकि आपका पूरा जीवन ही आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा खुशियाँ भगवान दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे भाई यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मैं प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बस आपको खबर सुनाता हूँ, कभी भी नहीं कहता हूँ कि गलत काम करो, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। मेरा काम है बार बार आपको खबर सुनाना और बार बार आपको गलत चीज़ों से दूर भगाना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों साथ ही साथ तमाम देशवासियों को जय हिंद।